नेवाल में पुलिस अपनी हरकतों से बाज ना आई। एएसआई की रिश्वतखोरी की वीडियो वायरल होगी। पैसे गैर कानूनी तौर पर जारी करने के लिए लिए गए, जबकि तर्जमान खानेवाल पुलिस के मुताबिक एएसआई मोहम्मद हुसैन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि खानेवाल में पुलिस अपनी हरकतों से बाज ना आई। एएसआई की रिश्वतखोरी की वीडियो वायरल होगी, जबकि पैसे गैर कानूनी तौर पर डॉक जारी करने के लिए लिए गए। तर्जमान खानेवाल पुलिस के मुताबिक एएसआई मोहम्मद हुसैन को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चौधरी आदिल से। जी आदिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की तरह खानेवाल पुलिस में भी इस्लाहात और रिश्वतखोरी खत्म करने के दावे सिर्फ बातों तक महदूद हैं। खानेवाल पुलिस में रिश्वतखोरी अरूज पर है। खानेवाल पुलिस के एएसआई की रिश्वत लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना खुदमपुर में तैनात एएसआई मोहम्मद हुसैन किस तरह धड़ल्ले से रिश्वत वसूल कर रहा है। रिश्वत लड़ाई के एक मामले में मजदूर पार्टी को मेडिकल के लिए डाकट जारी करने के लिए ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक मोहम्मद हुसैन एएसआई पहले भी एक रिश्वतखोरी के मामले में मुअत्तल हो चुका है। खानेवाल पुलिस ने मुबैना तौर पर मेडिकल के लिए डॉक्टर जारी करने, अंदराज मुकदमे, तफ्तीश, चलान सेंड टू कोर्ट करने के लिए गर्ज हर काम के लिए रेट मुकर्रर है। इस हवाले से तर्जमान पुलिस ने अपने मौके में कहा कि कतल का अहलकार को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार पुलिस अहलकार के खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई होगी या अफसरान रवायत की खामोशी अपनाएंगे। जी जी चौधरी आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। रवायती पुलिस के हथकंडे, रिश्वतखोरी की वीडियो वायरल होगी।